राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत के एक ट्वीट से बड़ी अपडेट सामने आई है। चिरंजीवी योजना सभी के लिए फ्री कर दी गई है, यानी कि अब चिरंजीवी योजना में किसी को भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो 850 रुपये हम साल के देते हैं वो अब नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी अपडेट सामने आई है। ये सब कैसे होगा और किन किन लोगों को ये लाभ मिलेगा, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। और ट्वीट क्या है वो भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब कल का ये ट्वीट है, इसमें श्रीमान अशोक गहलोत ने लिखा है कि इस बार बजट में मैंने चिरंजीवी योजना में निःशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर EWS तक के लिए किया है, जिसका अर्थ है कि जनरल यानी कि जनरल OBC MBC SC ST सभी वर्गों के 8 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वाले सभी लोगों के लिए चिरंजीवी योजना या फिर चिरंजीवी बीमा निःशुल्क होगा। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी भी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तो वो चिरंजीवी योजना में बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। चिरंजीवी योजना में हर साल के उसे 850 रुपए देने की अब जरूरत नहीं होगी, ये बीमा बिल्कुल फ्री अब होने वाला है। जी हाँ, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगरी में आ जाएंगे तो आपका ये बीमा फ्री हो जाएगा। चाहे आप OBC में हो, MBC में हो, SC में हो, ST में हो, कोई भी कैटेगरी में हो, आपका ये बीमा अब फ्री होने वाला है अगर आपके परिवार पूरे परिवार की इनकम वार्षिक आय 8 लाख से कम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये बड़ी अपडेट आ रही है और अब आप सभी अपने परिवार को चिरंजीवी योजना में जोड़ पाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं जोड़ा है। अगर आप पहले से चिरंजीवी योजना में 850 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो तो अब आगे जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे दोबारा से 1 साल बाद, जब आपकी पॉलिसी खत्म होगी और जब आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये इनकम कैसे डिसाइड होगी, कैसे पता चलेगा कि इस परिवार की इनकम 8 लाख है या नहीं, कहाँ से ये डेटा उठाया जाएगा? तो इसका सीधा सा तरीका ये रहेगा कि जन आधार कार्ड में पूरे परिवार की इनकम देखी जाएगी। आपके जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के साथ जो भी इनकम अपडेट की हुई है वो कंप्लीट इनकम अगर 8 लाख से कम हो रही है तो आपके परिवार का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। लेकिन जन आधार कार्ड में सभी सदस्यों की इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा होगी तो आपको 850 रुपये हर साल के देने होंगे। तो जन आधार कार्ड से मेरे हिसाब से ये इनकम उठाई जाएगी और वहीं से पता चलेगा कि किस परिवार की इनकम 8 लाख से कम है और किस परिवार की 8 लाख से इनकम वार्षिक आय ज्यादा है। और अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब चिरंजीवी योजना को हर योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर आप अकाल रात के फॉर्म भरोगे तो भी आपको चिरंजीवी योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो साथ में देना होगा। अगर आप फ्री वाली कैटेगरी से चिरंजीवी योजना में जुड़े हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, तभी आपको अकाल रात के 13,600 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ मान लीजिए अगर आपके किसी दुधारू पशु की मृत्यु लंपी से हुई है और अगर आप वो अनुदान के 40,000 रुपये लेना चाहते हो तो भी आपको चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन देना होगा। आपका परिवार चिरंजीवी योजना में पहले से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सरकार अब हर परिवार को चिरंजीवी योजना में जोड़ के ही छोड़ेगी। तो अगर आप अभी तक जुड़े हो तो अभी मौका है, आप बिल्कुल फ्री में चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अब यहां पर आप यह भी समझ लीजिए कि इन दिनों में तो मैंने देखा नहीं है कि चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहा है या नहीं। अगर आपने इन दिनों में रजिस्ट्रेशन किया है चिरंजीवी योजना का तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या फ्री में हो रहा है या फिर नहीं। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार का जो बजट है वो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, तो 1 अप्रैल के बाद ये जो बजट की जो घोषणाएं है वो सभी लागू हो जाएगी, जैसे कि पेंशन 1,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा ये जो चिरंजीवी योजना सभी को फ्री मिलने वाली है ये भी 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल के बाद सभी लोग चिरंजीवी योजना में फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। इसी के साथ अगर आप चैनल पर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। इसी के साथ अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।